जनवरी 2021 का दूसरा चरण यूएई में खेला जाएगा। आईपीएल का पहला चरण भारत में खेला गया था, लेकिन कोविड 19 के बढ़ते केस के कारण इसे बीच में ही स्थगित करना पड़ा था, लेकिन इसे अब यूएई शिफ्ट कर दिया गया है। जी हां दोस्तों, इससे पहले 2020 में हुई आईपीएल यूएई में ही खेला गया था। दूसरे चरण से पहले बीसीसीआई ने स्वास्थ्य संबंधी नियम जारी कर दिए हैं। जी हां, बीसीसीआई ने साफ किया है कि वायर बबल तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पीटीआई के अनुसार बीसीसीआई ने कहा, अगर कोई भी आईपीएल फ्रेंचाइजी का सदस्य किसी खिलाड़ी के परिजन बायो बबल को तोड़ते हैं तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। चूंकि आईपीएल का पहला चरण कोरोना के कारण ही स्थगित करना पड़ा था, इस वजह से बीसीसीआई इस बार किसी तरह की लापरवाही नहीं करना बरतना चाहेगी। बता दें कि पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार कोई भी इंटरनेशनल खिलाड़ी जो किसी एक बबल से आईपीएल के बबल में आते हैं तो उसे क्वारंटीन करने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन अगर कोई बबल को तोड़कर आईपीएल के बायो बबल में आना चाहता है तो उसे 6 दिन की क्वारंटीन करना होगा। आईपीएल के दूसरे चरण की शुरुआत 19 सितंबर से होगी। पहला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा। तरह से वैक्सीनेट है उन्हें 5 दिन क्वारंटीन में रखा जाएगा, वही जबकि जिन खिलाड़ियों को कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं लगी है उन्हें 10 दिन सख्त क्वारंटीन में बिताने होंगे। इंग्लैंड से सिर्फ भारत नहीं बल्कि कई और देशों के खिलाड़ी भी भारतीय टीम के खिलाड़ियों के साथ यूएई के लिए यात्रा कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लैंड में क्वारंटीन के नियमों में थोड़ी ढील दी गई है। एक बच की रिपोर्ट के माने तो जो खिलाड़ी पूरी तरह से वैक्सीनेट है। गौरतलब है कि आईपीएल 2021 का आयोजन भारत में किया गया था, लेकिन आईपीएल के बबल में कोरोना वायरस सामने आ गए थे, ऐसे में बीसीसीआई ने टूर्नामेंट को स्थगित कर दिया था। वही देश में मई के महीने में कोरोना वायरस के केसों की संख्या काफी ज्यादा थी, ऐसे में बीसीसीआई ने सितंबर अक्टूबर की विंडो में आईपीएल के बाकी बचे मैचों का आयोजन कराने का फैसला लिया, लेकिन मानसून के कारण इसे यूएई में ले जाना पड़ा।